सलाम बेहकिल हुसैन अलैहि सलाम, इस पे सदर अल हुसैन अलैहि सलाम बे ज़हूर अल हुज्जत अल अजल फरज आले मोहम्मद मजलिस से आजादी मकबूलियत वास्ते मिलके सलावात तिलावत कर सारे तशरीफ फरमाओ। कर्ज नहीं है, सलावात फर्ज है। जितने बैठे हो मिलके खलूस नाल सलावात अपने मरहूमीन दे बानियां ने मजलिस ने मरहूमीन दे दर्जात की बुलंदी वास्ते भी सलावात। माशाल्लाह أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وانا من حسين خدا بند عالم محمد اور اہل بیت محمد دی عزت اور عظمت دے صدقے جتنے حضرات تشریف فرما ہو جو باہر ہیں اللہ سب دی عظیم عبادت قبول فرما مالک کائنات عزت حسین دا صدقہ تو اس عبادت دا بے مثل اجر عطا فرمائے بانیان دی اور جناب دی توفیقات اج مالک مزید اضافہ فرمائے کافی سارے بیٹھے ہو لوڑ ہوئے تو امین آنکھ لوے پھر پڑھنا نہیں لیکن دعا تو منگی جا سکتی ہے اور دعا دی ہر قسم ضرورت ہے مالک ہر عزدار موت تو پہلے قبر حسین دی زیارت نصیب فرمائے بعد از موت مالک شفاعت حسین نصیب فرمائے امام حسین دی ذات تے جتنے بھی بیٹھے ہو سارے مل کے بلند صلوات پڑھ اجازت ہے میں دو چار گلاں امام حسین دی عزت بارے کر لوں جناب اس حدیث کا ترجمہ کرنا اس واسطے ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ یہ حدیث شیعہ قوم دے ہر فرد روح تے نقش ہو گئی کہ رسول فرما گئے یہ میرے وچوں ہیں میں اس تو سب جتنے بیٹھے دو گلاں میری سن لینا قوم حسین کیسا حسین چکوال دے قدر دانو اللہ دیئے ساری کائنات دے اندر جس ہستی دا صرف نام سن کے اللہ دے سزا یافتہ مجرم و معافی دی امید نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں جس ہستی دا صرف نام سن کے اللہ دے سزا یافتہ مجرم و معافی دی امید نظر آتی اسے سڑتے موڑے جو گو تو میں تو گلتا اس ہستی دا نا ہے حسین
अगला फिक्रा मेरा नहीं, ये जनाब के दिल की आवाज है। अगर तुसी ना भी बोलो तो मैं जनाब के दिल की आवाज जनाब तक पहुंचा देना। नेक बंदियां नूं मैदान माशर च बख्शाण ते हजारा मिल जाए, मगर ये तुहाडे और मेरे दिल की आवाज है कि जिस इस गुनाहगार कौम का जिम्मा चाहे उसका नाम हुसैन बने अली। जिस इस गुनाहगार कौम का जिम्मा खुद चाया उस हस्ती का नाम है हुसैन बने अली। चाहे शिया हो या सुन्नी हो, क्योंकि मजहब बदलने का शौक सान कोई नहीं, लेकिन किताबां भरिया पईआं शीआं दी उठाओ सुन्नियां दी उठाओ। इमाम हुसैन की जिंदगी शुरू हुई है 3 शाबान को और खत्म हुई है 10 मुहर्रम। मैं नहीं पता कौन कौन पढ़ गए तुसा किसनों किस अंदाज न सुने। एक फिक्रा सिर्फ मैं हकीर का दिल पर नक्श कर लेना मेरे वास्ते एक काफी है। खत्म हुई 10 मुहर्रम, शादी शुरू हुई है 3 शाबान। 3 शबाब आलम नूर छोड़ के हुसैन दुनिया से आए, 10 मुहर्रम आलम फना छोड़ के हुसैन वापस चले गए। तो अलमा के दरमियान आखो ए अलम ए अलम, इन सारे अलमा के दरमियान खड़ो के कसम जाके भी आना। जिस दिन दुनिया से आई उस दिन भी एक मुजरिम को माफी दीती है। मेरी गल तुम समझ नहीं आई। जिस दिन दुनिया से आया उस दिन भी एक मुजरिम को माफी दीती है और जिस दिन दुनिया को भी आई उस दिन भी एक मुजरिम को माफी दीती है। चलो जितने समझ गए समझ गए, जिन्हें पीछा रह गए गल खोल देना। 3 शबान फुदरुस आया, 10 मुहर्रम होर आया। 3 शबान फुदरुस पर मिल गया, 10 मुहर्रम गुनागार होर अलैहि सलाम बन गया। फुदरुस अर्श का मुजरिम होर फर्श का मुजरिम, एक अर्श से गलती कर गया एक फर्श से गलती कर गया। गलतियां दोनों को हुई, दोनों का मुकदमा हुसैन के दरवाजे से आया और हुसैन ने इज्जत नाल दोनों परी करके जमाने समझा दिता मेरी अर्श की हकूमत है, मेरी फर्श की हकूमत। पता पूछ रहा था
सारे बोलो शाबाश के कलंदर अली मेरा गरज के बोलो अली मेरा झूम के बोलो अली मेरा मिल के बोलो अली मुनकर की दबाई अली अल्लाह का दबाई अली कानो हाथ बुलाक कुल्ला इमान मिल के दबाओ मिल के हैदरी हुसैन ने मारा बीमार मसीहा से दवा पूछ जीने की राय हक में अदा पूछ रहा और मैं शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका भटका हुआ राही था पता पूछ रहा इज्जत हुसैन इस वक्त के क्या हो सकती है जिसने आम जैसी मिट्टी में भी उस खाके शिफा बढ़ा दिया उसे शेर सुनो तो मैं शेर ही पढ़ के मजलिस को खा मैं कभी शेर नहीं पढ़े लेकिन आज शेर पढ़ ये तुझे छोड़ो इमाम हुसैन की करीमी क्या है शाजी जिसने आम मिट्टी को खा के शिफा और इस तो बड़ी हुसैन मिट्टी को क्या फजीलत दे के जाए कि भाई सजदा खुदा का है मगर है खा के शिफा अल्लाह का सलामत रखे सजदा याद है खुदा का सर लेकिन है खा के शिफा इसी तरह और खा के शिफा तो बाद भाईजान बाबा जी साड़ी तो किसी और मिट्टी के तक पाई वो क्यों नहीं पाती हूं वो मिसरे पढ़ दिल है तो पढ़ मिसरे की कमी कोई नहीं थोड़ी चुप च कमी रह सकती ठीक है मिसरे च कोई कमी नहीं एक सैयद है जिसने छे सात मिसर लिखे वो मिसरे पढ़ता सके क्यों नहीं पाती शिया कौम की तक खा के शिफा तुम्हारा हो सके वजह सिर्फ ये है कि खुशबू में खोल दब गई खा के शिफा के बाद नहीं मेरे ख्याल सारे मिसरा समझ ही नहीं आया खुशबू खुल्द दब गई खुशबू खुल्द दब गई अल्लाह अकबर इस वक्त क्या मिसरा हो सकता है खुशबू खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद खुशबू खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद दिल कर दे कयामत तक ये फिक्र दोहरावा खुशबू खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद जन्नत का नाम आने लगा कारवला के बाद खुशबू में खोल दब गई खा के शिफा के बाद जन्नत का नाम आने लगा कारवला के बाद जिक्र हुसैन जिक्र मशीयत के साथ साथ जा पड़ा मैं अपने मिसरे जिक्र हुसैन जिक्र मशीयत के साथ साथ हर इब्तिदा से कबल है हर इंतहा के बाद ना रहने वाला उन्हें अगले मिसरे से चुप करो ताकि थोड़े दरार नहीं हो सके होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा फिर और होती करबला उस करबला के बाद यार होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा फिर और होती करबला उस करबला के बाद बादल हुसैन और ना कोई हुसैन है ना और कोई करबला उस करबला के बाद उन अकीदा बोले तो बोलना जी इमाम हुसैन आवाज को समझो तो जिक्र भी बोल पोसी तो चुप भी कर दो तभी जिक्र बोल जाएगा हो सके आज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद हो सके नहीं तस्लीम रूह जौहर मरहूम ये करे इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद इस्लाम
हमारे ऊंचा बोल के दिल खोल के जो बोलेगा सखी हुसैन के सदके में दिल की मुराद पाएगा बेशक हैदरी होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा भाईजान फिर और होती करबला उस करबला के बाद बाद अज हुसैन और ना कोई हुसैन है ना और कोई करबला बोल मोवे है उस करबला के बाद आज खुद गलत मोहम्मद अली जौहर लिख गया उसके आज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद ताकि नई तस्लीम रूह है जौहर मरहूम ये करे इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद चार मिसरे और पढ़ूंगा इतनी तकरीर अलामा इकबाल भाई शब्बर एक शेर लेके आई जरा सारे याद है सारे रटे हुए की मोहम्मद से वफा तो है हूं तो बोलना ही है की मोहम्मद से वफा तो है तो हम तेरे ये जहां चीर है क्या शुक्र है लौह कलम तेरे उस आखे भी जेड़ा अलामा इकबाल ये लिखे ना ये सैयद है की मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे इस शेर पढ़न समझने वाला बंदा जानता है जेड़ी तो है ये शर्त कि वफा की तो तेरे मैं अदा अगर खुदा पर देंदा ना तो जाके होर दे मत्थे ते बंदा उड़ के फिकरा लिखा भी है सैयद का तो शायद वो मिस्र की कीमत नहीं बनती उस आखिया हुसैन ऐसा नहीं शर्तां वाला हुसैन नहीं उस आखे किस कदर तेज थी मैदान बला की आवाज उस पे चलते हुए तीरों की हवा की आवाज सुन के शबीर के सजदे की अदा की आवाज सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है तेरे सजदे का बदल ये कि हम तेरे हैं जिंदगी हो गई है दरी तवज्जो है मेरे लिए पास किस कदर तेज थी मैदान बला की आवाज उस पे चलते हुए तीरों की हवा की आवाज सुन के शबीर के सजदे की अदा की आवाज सारे माहौल में गूंजी ये खुदा की आवाज ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं तेरे सजदे का बदल ये कि हम तेरे हुसैन जरा काम करके जा रहे लौह कलम नहीं तेरे सजदे का बदल ये कि हम गरीबी क्या है लहरा दिला मेरा फिक्रा नहीं फिक्रा है किबला आज हर गड्डी के पीछे तो फिक्रा नजर है लेकिन मैं उस बंदे का नाम सुनना चाहना जिस जो उस फिक्रे का बांध नहीं है हिंदुस्तान के आलम दीन गुजर गए दुनिया तो अल्लाह ने दर्जात बुलंद कर विलायती मेराज से आई बंदा मिर्जा मोहम्मद अफसर साहब किबला लखनवी और एक फिक्रा अपनी मजलिस से पढ़ते होंगे मैं तुम्हारे चेहरे पढ़ के मैं उन्हों का फिक्रा जनाब के हवाले करना और अमानत हवाले करना हर जर्फ अमानत को कबूल करने वाला नहीं होगा लेकिन अगर कबूल करे तो उसका फिक्रा कबूल करना हो सके अल्लाह ने जो कुछ भी तुम्हारी तकदीर में लिख दिया अल्लाह तुम्हें जरूर अता करेगा लेकिन हुसैन से वो मांगा करो जो अल्लाह ने भी तकदीर में ना लिखा हो हुसैन से वो मांगो गड्डिया के पीछे भेज दो जो मुकद्दर में ना हो वो हुसैन से मांगो अगर किसी बंदे के अकीदे से ठेस लग जाए जो आखे भाई जो अल्लाह ने लिखा नहीं वो हुसैन कैसे दे सकता तो फिर मर तो जाना ही जरा मरण तो पहले चार मन किताबों उठा के पढ़ रहा है ना मुकद्दर समझ जिदी तकदीर औलाद कोई नहीं शाम को चल के रसूल दे कोल आ गया मेरी पूरी जिंदगी इमाम हुसैन की इज्जत है इस तो वड्डी फिकरा कोई नहीं नबी दे कदमां दे हाथ ला के बैठा पुछदा है मेरी तकदीर में बेटे हैं कोई नहीं मेरी तकदीर में
बेटे हैं, सारे गल सुन ता फिक्र पड़ सो, मेरी तकदीर में बेटे हैं, रसूल आख्या कोई नहीं, एडे कदरदान हो मैं इमाम हुसैन का निकल जाके हाथ जोड़ी बैठा, इन्हें बंदे हाथों की कदर करना जवाब दे, रसूल फरमाया कोई नहीं, शादी लैके कितने की आई, दुनिया वालों जेब छोड़ो बात मानो बेटे तकदीर से नहीं मिलते शबीर से मिलते सारे मेरे को बोलना जितने है नबी औलाद तकदीर को नहीं मिलती औलाद शबीर को मिलती औलाद चाहिए तकदीर के दरवाजे से टकरा नहीं मार हुसैन के दरवाजे से मेरे हसन हुसैन को ले आ
कि तुसी शिया अंदाज बैठे हो, लिखण वाला सुन नहीं आई, हक कर गया। हुण मैं नहीं पता तुहाडे ज़हन दा मियार कितना बुलंद है, ते सुन्नी बंदे दी गल तुहाडे ज़हन तक कितनी आउंदी। कयामत तो दात दे तुहाडी दात थोड़ी है, सुन्नी बंदा जिहड़ा हक लेके उस तां पढ़ नहीं सकदे। उस आके मवत्ता ते अली दी अबाए वे गुसल पहन के अली अली करता सलमान सीधा अली की चौखड़ पे आया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के आयत तहीर की तिलावत करके सलमान अली का दरवाजा फड़काए, अम्रो फिजा निकली है, एक गद हसन एक हुसैन मुस्कुरा के अमीर ले जा, मुस्कुरा के अभी ले जा, चुप करो तुसी जानो जनाब फिजा जाने, आए लगे समंदर होता दर होके सलमान मुस्कुरा के ओ बहन फिजा, ना मैंने हसन मांगा ना मैंने हुसैन मांगा, ये तुझे कैसे पता चल गया कि मैं हसन हुसैन को लेने आया। बीबी अभी यही समझा दे, दरवाजे पे आई हो, बाहर के गुलाम और होते अंदर की कमी से और। सलामत रखे आखिरी फिक्रा तकरीर खत्म, उस लिखे हसन का हाथ भी सलमान के हाथ में, हुसैन का हाथ भी सलमान के हाथ में, पछताएगा बंदा जो रैयत हुसैन बन के भी ना बोल सकिया। और जैसे ही हसन और हुसैन का कदम मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, वो ही काले रंग का बच्चा तावीम के लिए खड़ा हो गया, वो ही काले रंग का बच्चा तावीम के लिए खड़ा हो गया। तो का हाथ मत्थे तरह के हसन ने हुसैन को सलाम कीता, बस उसको सलाम करने की देर थी या पंचतन की सुर्खी सिमट के मोहम्मद के चेहरे पे आ गई, और इसके बाप को कहते खबरदार आपके बाद इसे हरामी न कहना, जिसके दिल में मेरा हुसैन हो वो हरामी नहीं हो सकता। जिसके दिल में मेरा हुसैन हो, जिसके दिल में मेरा हसन हो वो हरामी नहीं हो सकता। बेशुमार सब कुछ बचाइए इमाम हुसैन, सब कुछ बचाए इमाम हुसैन। गल लग ही कोई पढ़ना है ढेर मशाइख नहीं पढ़ता। मैं एक आंसू का नाम मोहम्मद लसू है, मुहर्रम में मजबूरी होती है लंबा पढ़ना पौधा है, लेकिन आम रूटीन है एक आंसू का नाम मजलिस समझदा। सब कुछ मैं आखे सब कुछ बचाया, तुझे आगे सब कुछ दे के हुसैन भर मालिक तो इस लफ्ज का आज रखा लफ्ज इलहामी होंगे जेड़े मुंह चो निकलते। अगर लफ्ज बदल देना मेरे को पहले अजीम लोग पढ़ के मेरे बाद भी अजीम बंदे पढ़ने, मेरी कोई औकात नहीं कोई हसीयत नहीं, एक आंसू की कोशिश करना। छे घंटिया के अंदर हुसैन बचाइए सवा लख नबिया की मेहनत, छे घंटिया के अंदर। फिर मेरा लफ्ज सुनना मतलब कोई ये आखे जो मेरी हाय नहीं निकली, पता नहीं क्यों नहीं निकली, ये अपने मुकद्दर को पूछना। छे घंटे हुसैन बचाइए सवा लख की मेहनत, हुसैन को बचाने बीबी ज़ैनब के दो साल लग गए। अल्लाह मैं बिस्मिल्लाह करा सैयदा तुहाडे तां राज़ी होवे जितने बंदे हाय कीती, इंशाल्लाह दुनिया के किसी दोस्त हाय ना करो जिवें हाय कीती, हाय उसे दी निकलदी है जिस ते सैयदा बिस्मिल्लाह करा। हुसैन सिर्फ छे घंटे सवा लख नबिया की मेहनत बचाई, हुसैन को बचे दिया बचे दिया। मेरी शायण दिन पौने दो साल गुजरे कितने, देखो मैं देखो मैं देखो इबादत करो अपने, पौने दो साल लगे ना हुसैन बचे दिया अली दी जी, वो बीबी जड़ी प्यो नाल नहीं बोलेंदी, भिरा बचाव की खातिर शराबिया नाल बोली बोली या नहीं बोली जी,
ज्यादा नहीं पढ़ना, चलो भाई आकर मैं इन्होंने हवाले करा। दो साल तो बाद कैद छुट्टी है ना मेरी शहर की, जिंदान तो बाहर आई है। मैं लफ्ज आकर के कमेंट करना चाहता, ये मनपंत सवार है हथ चे जनाब सजाद दे मुहार मुहार थक के कहते मां तो महमल वेद कह ले रस्तियां वेद रोंदा है। बीबी जैनब पूछे कैद छुट गई हूं रोवण की वजह क्या है? सजाद फरमाते जिथे खड़ा इतो वतन दे वेंदन दोरा नहीं समझे ना इतो वतन वेंदन दोरा। बीबिया दी केड़े सजाद फरमाते एक करबला तू होके वेंदी एक सिद्धा वेंदी। अम्मा मैं दस मैं केड़े रात सफर करा सारचा वे बंदा जरा सुबह तो लैके हूं तीन हाय नहीं कर सकिया। मेरी सहन नहीं बोली पिछले मामले चला नहीं सजा सगीना की कमर मेरा कोई नहीं रहता सोनी हाय की बीबी गुना माफ। कोई ऐसी राह है जरा मेरी धी की कमर आलमा वहरे मोहलमा सहन कर बीबी मेरी सजा जिसे मां दी उदाई डुब रहे मामला की मुहार फिर ये गरीबों के कब्रस्तान वाले पास है। लफ्स मेरे बुजुर्ग कहते हे बड़ा दुखी लफ्स मां की निगाह बैठी है ना उठते थे पहिए शकीना की कमर पे पता नहीं हाय कर दे हो या चुप कर दे हो अजा उठ नहीं बैठा या रबाब लहे अगला लफ्स भी तो हाय वास्ते कमर पे इन्ना ही है जिन्हें शबीर अकबर की लाश से आ गया अचकवा लगे कमर नाल इन लेती है जिन्हें मावा धियां नाल सब दिया हाथ रख के बैठी आदि रोज पुछ दिया मैं जंजीर कदर लड़ हाय निकलनी चाहिए ताकि सैयदा राजी हो जाए मेरी सैन कमर से हाथ रख के है सकीना मैं तो वहदी पैया वतन मेरी धी कोई गल कर सह जरा हां शीयत नहीं रो सकता लफ समझे कोई गल कर सह कोई पैगाम ही कोई हुक्म नहीं मां वास्ते मां सुमा की कमर चो हौले हौले आवाज आई अम्मा होर कुछ नहीं पुछती मैंने इतना दसी जा रात रुक गई है सो बड़ा दुख लगे नहीं लफ समझे रात रुकी है सी कोई ना बीमार इमाम ना मत्था भैर की कमर न लगे अगर किवे रात रोका तेन घोड़िया नाल मैं भजदा वे तेन तमाचे लगते मैं नौ लख दे विच बहण दा दाज लुटींदा वेखे लख नहीं रुकदा ये फिक्रा मेरा नहीं किबला हुसैन बख्तियारा साहब पढ़ दिया खुदा की कसम है मेरे अकीदे दे मुताबिक ये फिक्रा कफन लिखण दे काबिल एडा कीमती फिक्रा उन्हें लिखे सजाद बैठे बहण दे पास अचानक मेरी शहर की कबर लड़दा इमाम पूछे बहण मेरी खैर ते है परेशान क्यों है आदि सजाद सरचा मेरे पैरों के पास वेख कौन हाय कर दे कौन चुप कर दे चौथे कुरान ने भैन के पैर ने पास लिखे कयामत नजर आई है अब्बास की छोटी धी आई जरा गादी का कटे सर चा के सकीन के पैर से रख के बैठी आई है बाहरा चाचा माफी मंगना और तो पानी मंगती तुर गई वे तेरे चाचे दिया मजबूरिया बन गई आ कैद छुट गई आई चाचा माफी मंगना जितने दुख वेखे ना जितने इमाम ने अपने दुखों का इजहार किसी नाल नहीं किया लेकिन एक जाते सजा का हौसला हो दसो कि कमर आई रे मामला की मुहार लैके जो करबला के मन से आया तो इमाम फरमाया मां करबला आ गई है ब्याह की नगरी आ गई है अकबर की जागीर आ गई है थक गए हो तो शायद लश शर्त गुजर जाए मां लथी मैं पुत्र को जावा बहन लथी मैं विराग को जावा धी लथी मैं प्यू को जावा सैयदों माफी दिवे सजाद कमर ते हाथ रख के सोचेंदे मैं कहंदे कोल जावा एक कदम मेरे इमाम ने चाहे मकतल के पास मेरी शैन ने विराग दी पुत्र दी बाजू इथों पकड़े
समझ जाओगे तो इस तो अगर शायद रिपजे की लड़ नहीं पाती। इतों पकड़ के सज्जा आता बाजू लगी आई हुसैन की कबर से रात रोंदे पुत्र की मां हुसैन की कबर से रख के बैठी आई है बाहर अपनी अमां का संभाल हुसैन अपना सजा संभाल मैं बाजारंग रुलिया मैं दरबारंग रुलिया मैं तेरे पुत्र की गर्दन मैं गर्दन रखी है मेरा सजा बचा ये हाथ जोड़ी खड़ा मैं निकल जाए इमाम हुसैन का जाकिरा मेरी कोई हसीयत औकात नहीं मिंबर से खड़ा होकर पिया था मैं तुहाडे तो एक गल का जवाब मंगदा मैंने भावे हाय करके देना भावे चुप करके देना हर पुरत सांगे की कमर पे गई है सजाद के दी कमर पे गए चकवा ला लियो कमर झुका के सिद्धा हसा नप के अब्बास की कमर दे आ बैठा ते कमर नाल मत्था ला के बैठा दे चाचा मेरे बाजुआ के घोड़े तो लाना सफर अब्बास की कमर लिया औखा काम केड़ा रात रो के अंदर ज़ैनब गई मां लेके कदी उस बाजार कदी उस बाजार कदी उस दरबार चाचा जाना बड़ा औखा कम है अगला लफ्ज आ गया है लेकिन पढ़ता मैं जरूर हाँ शायद जरा पिछड़ रह गया रल जाए इन हाथ जोड़े सजाद ने जख्मी हाथ जोड़ के अदे मैं अल्लाह की तरफ तेरा इमाम हाँ रिश्ते तू मेरा चाचा मैं तेरा भतरिया इमाम होके नहीं भतरिया होके हक मनदा मिन्नत करदा चाचा जे हो सकदा ही तो एक मेरी तो कबर गवाहे आ चाचा निकल कबर गवाए रालिया ने क्यों आवा रद रो के बारह बीबियां बज गई पहचान के दस इना चाहे लब गेड़ी बार जो कहड़ी है जैसे पढ़ते दर्जा मेरा बन गए मदीने जो टुरिया हो मेरा हौसला वेख मैं मां शराबिया नाल बोलती वे अखर बंद दुआई बैठा मंगद कभी तो वाली आशो थक कभी तो वाल इमाम भी अंशा की पहचान के सिर से हाथ रखा ने बेटा कौन है लफ्ज बड़ा दुखी जे समझ जाओ बेटा कौन है सर चा के दे अब्बास का पुत्र
پتر محمد اگر ود گیا تے میں ہور کچھ نہیں پوچھنا میں بھی تے تیرا چاچا میں ہاتھ جوڑ کے آدا میرے ایک جہاں سال کمر کیوں جھوک گئی جگوالا Yeah.